हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जो कलाकार अभी 2018 में जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले कलाकार हैं राम कुमार, इनका जन्म 1924 में शिमला में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 2018 में हुई है। और इनकी जो कला शिक्षा है वो सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और ये जो है मुख्य रूप से दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने इनके जो चित्र हैं उन पर प्रभाववाद तथा घनवाद दोनों प्रभाव इनके दिखाई पड़ते हैं इनके चित्रों में। और इन्हें इनको इनका एक चित्र है बनारस की घाट श्रृंखला, इन्होंने बनारस के जो घाट हैं उन पर एक श्रृंखला बनाई है। इससे बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है, इनकी जो वो श्रृंखला है वो उसमें जो है इनकी अमूर्त शैली में बनाया हुआ है और अक्रैलिक रंग से चित्रित की गई श्रृंखला है। और इन्हें दृश्य चित्रकार कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सामने देखकर चित्र बनाते थे, जो भी इनको सामने बैठ के ये चित्र देख के बनाते थे जो यथार्थ रूप से दिखाई पड़ता था। उसके बाद इन्हें जो ये जो इनके चित्र हैं उसमें एक नई दुनिया की रचना करते थे ये, तो इसलिए इन्हें मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार भी कहा जाता है। और 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में कालिदास सम्मान से ये इन्हें सम्मानित किया गया था। और 1965 से 67 के मध्य इन्होंने स्याही तथा मोम रंगों में रेखा चित्र बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने एक्रेलिक रंग को अपना माध्यम बना लिया था, जो कि बनारस घाट के जो चित्र बनाए थे उसको एक्रेलिक रंग में किया था। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनका बनारस का घाट जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये श्रृंखला जो है एक्रेलिक में बनी हुई अमूर्त चित्रण में। उसके बाद दूसरा है अलविदा, उसके बाद अतीत, फिर है परिवार, दो बहनें, उड़ान, धार, मजदूर की मौत, बसंत, युद्ध का आतंक, सपना, श्रद्धांजलि, इनके ये प्रमुख चित्र हैं। और दूसरे कलाकार हैं जिनकी मृत्यु हुई है अभी 2018 में, कृष्णा रेड्डी। तो इनका जन्म जो है कृष्णा रेड्डी का 15 जुलाई 1925 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। और ये मुख्यतः छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। और जो है इनकी जो मृत्यु है वो 22 अगस्त 2018 न्यूयॉर्क में हुई है। और इनकी जो कला शिक्षा है वो शांति निकेतन में नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में हुई है। इसके बाद यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये आगे की जो कला का अध्ययन करने के लिए स्लड स्कूल लंदन गए, वहीं से एचिंग जो छापा कला में यूज होती है उसका प्रशिक्षण लेने के लिए ये पेरिस चले गए। और 1947 और 1950 तक ये मद्रास के कला विद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर ये रहे हैं। उसके बाद 1972 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये न्यूयॉर्क में निवास कर रहे थे उस टाइम, मतलब इन्होंने इनका जो निवास स्थान था वो न्यूयॉर्क था। और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में ग्राफिक विभाग के ये निर्देशक रहे हैं। और इनकी गणना जो है विश्व के 33 प्रमुख छापाकारों में की जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी प्रक्रिया का विकास भारत में इन्होंने ही किया था। ग्राफिक कला में जो विस्कोसिटी प्रक्रिया होती है उसका जो विकास है वो भारत में इन्होंने ही किया था। तो इनके कुछ प्रमुख चित्र छापा चित्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे घुटनों के बल चलती अप्पू, दूसरा है लहर, तीसरा है मस्खरा, ये विस्कोसिटी में बना हुआ है, विस्कोसिटी में। चौथा है पेस्टोरल सिंफनी, पांचवा है जर्मिनेशन, छठा है वाटर लिलीज। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं छापा, जो ये हैं छापा चित्र कृष्णा रेड्डी के। उसके बाद तीसरे कलाकार हैं सुरेंद्र पाल जोशी।
तो इनकी जो मृत्यु है वो 14 जून 2018 जयपुर में हुई है, और ये समकालीन कलाकार हैं। ये 63 साल के थे, और इनका जन्म जो है देहरादून में हुआ था, और फिर उसके बाद ये देहरादून से ये जयपुर चले गए थे उसके बाद रहने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है सुरेंद्र पाल जोशी ने वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से की है। पढ़ाई करने के बाद ये फिर से जयपुर चले गए, और वहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। इनको कलाकार के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने 22 सोलो एग्जीबिशन की हैं, और इनकी कला जो कृतियाँ हैं वो उत्तरा म्यूजियम फॉर कंटेम्परेरी आर्ट इन देहरादून में रखी हुई हैं। ये बहुत लंबे समय से बुखार से पीड़ित रहे थे, उसके बाद इनकी जो डेथ है वो इनका शॉक लगने से हो गई थी, इनकी मृत्यु जो थी। और राजस्थान की कला के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी क्षति हुई थी जिनके मरने के बाद। और यह बहुत ही प्रफुल्लित इंसान थे, बहुत खुश मिजाज इंसान थे, और अपने पीछे महान कलाकृतियाँ छोड़ गए हैं। ये भारतीय समकालीन कला बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने 1 लाख जो इनकी जो इंस्टॉलेशन जो इन्होंने 1 लाख सेफ्टी पिन और स्टील रॉड वायर से हेलीकॉप्टर की एक कृति तैयार की थी इन्होंने। उसमें 1 लाख सेफ्टी पिन यूज किया है, स्टील रॉड यूज करी है, और वायर इन्होंने उसको करके हेलीकॉप्टर बनाया है, और एक हेलमेट भी इन्होंने बनाया है जो कि उत्तरा म्यूजियम देहरादून में संग्रहित है। और ये म्यूरल और अमूर्त में भी कार्य किया है इन्होंने, जो कि बहुत सराहनीय है। इन्हें राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, और यूनेस्को गोल्ड मेडल भी मिला है। तो ये 3 कलाकार हैं जिनकी मृत्यु 2018 में हुई है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर कोई कलाकार छूट गया हो तो अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू।